जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुर्दा बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा उसके अंदर का जो भाग होता है। नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छे उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर जब आपके यहाँ विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर अच्छे उपाय के बारे में जानिए। आप पंचाक्षर मंत्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओ में, बेलपत्री के वृक्ष की छाओ आप कामना कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कहकर, कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन चंद्र का वार शिव जी को। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छे उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल किसी ने पूछा गुरुजी तो शिव जी की प्रियता चंद्र में, हाँ, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना, क्या करें चतुर बन के। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की, माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में, ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो, और आधी बहुत पतली खुशी है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य, और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया,
अब यहां शीतला माता की पूजन करने आई और ये हो गई चंद्रघंटा, लोटा जरा सा ही पानी का झलका देख के नहीं चल सकती, ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब, भीतर से शीतल हुई है, भीतर से ठंडे हुई है, चित्त वृत्ति मन जब भीतर से शीतल होगा ठंडा होगा तो मेरी शीतला माता तुमने पूजन करा ना करा मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी, बस भीतर से शीतल हो ठंडे हो भीतर से। जो पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है, है क्या कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो, तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर ये नहीं लिखा कि तुम दिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छे उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।